बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम रिगिंग का एक दूसरा आसान तरीका देखेंगे। रिगिंग का एक तरीका तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, जिसमें हम रिग करते हैं अपना करेक्टर थ्रू बाइपेड बोन्स। उस स्केलेटन को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास सिर्फ मैश मौजूद है करेक्टर की, और हमने इसको थ्रू मैक्सियामो ऑटो रिगर रिग करना है इस करेक्टर को। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा कि हमें जाना होगा एक्सपोर्ट मेन्यू पे, और हम एक्सपोर्ट सिलेक्टेड या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अपना पाथ देंगे जहाँ पे हमें एक्सपोर्ट चाहिए इन FBX फॉर्मेट। और यहाँ याद रखिए करंट प्रीसेट, यहाँ से ये ऑटोडेस्क मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ही होना चाहिए। और ज्योमेट्री में हम स्मूथिंग ग्रुप्स को अनेबल कर देते हैं, और एम्बेड मीडिया में एम्बेड मीडिया को अनेबल करेंगे। बाकी ऑप्शंस उसी तरह से रहेंगे और हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारा करेक्टर जो है वो FBX में एक्सपोर्ट हो चुका है हमारे पास। दूसरा स्टेप ये है कि हम maxiamo.com पे जाएंगे और यहाँ पे अपने अकाउंट बना लेना है और लॉग इन होना है अपने अकाउंट से, और फिर आपने अपलोड करेक्टर करना है। और आप तीन करेक्टर के फॉर्मेट्स अपलोड कर सकते हैं, FBX, ऑब्जेक्ट और ZIP। तो हमारे पास FBX फॉर्मेट है करेक्टर का, तो हम इसको अपलोड करते हैं। तो हमारा करेक्टर जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये अपलोड हो जाता है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको रिग करेंगे। ओके जी, तो दोबारा से अपलोड किया हमने करेक्टर अपना, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अप्रोक्सीमेटली इन द मिडल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। और इसको अब हम अपनी जो प्लेसमेंट है वो करते जाते हैं, दो चीज़ जहाँ पे भी चाहिए हमने वो प्लेस करनी है। तो चिन को प्लेस करते हैं यहाँ पे, आपको वो साइड में आप देख सकते हैं कि वो दिखा भी रहा है ऑप्शंस किस जगह पे आप प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं चिन को। और रिस्ट, तो लेफ्ट रिस्ट हम प्लेस करेंगे इधर, तो राइट रिस्ट आप देख सकते हैं थोड़ी सी आगे वो प्लेस हो रही है जहाँ पे, क्योंकि ये हम अप्रोक्सीमेटली इन द मिडल नहीं है। तो यूज सिमेट्री को यहाँ से हम अनचेक करते हैं, और फिर हम एक एक ये जो नोड है इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो आई थिंक के यहाँ पे ये ठीक है। एल्बोस, तो लेफ्ट एल्बो को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और राइट एल्बो को यहाँ पे, नी वन नी यहाँ पे प्लेस होगी और अदर नी इस जगह पे, और ग्रॉइन, ये जो ग्रॉइन है इसको हमने यहाँ पे प्लेस करना है। वहाँ पे आप रेफरेंस में भी देख सकते हैं, जो राइट साइड पे रेफरेंस आपको नज़र आ रहा है कि कौन सा नोड किस जगह पे आपने प्लेस करना है, तो यहाँ पे प्लेस करते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये रिग होना शुरू हो जाएगा। तो रिगिंग के प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, कुछ मिनट्स लेगा, तो मैं वीडियो पास करता हूँ, और जब ये रिग हो जाएगा तो फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप्स। ओके जी, तो आप देख सकते हैं रिगिंग का प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में रिग्ड स्किन स्किन ऑप्टिमाइजेशन और बोन्स और एवरीथिंग इज़ डन परफेक्टली। और ये आप देख सकते हैं हमारा करेक्टर जो है वो एनिमेट भी हो रहा है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और विल नॉट बी सेव्ड
Your character has been uploaded. Proceed with the news, with this new character. Your previous character will not be saved. Next करते हैं और आप देखते हैं कि हमारा करेक्टर यहाँ पे अवेलेबल होगा। आई होप सो। और इस पे हम डिफरेंट किस्म की एनिमेशन वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं या एनिमेशन के बगैर भी इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और फिर री इम्पोर्ट कर सकते हैं यूनिटी में या 3DS मैक्स में भी। तो लेट्स सी, वेट करते हैं थोड़ा। ओके जी, तो हमारा करेक्टर जो है वो यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं एनिमेशन हमने स्टैंडिंग अप अप्लाई की है और वो देख सकते हैं आप। इसी तरह से कोई भी एनिमेशन हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सांबा डांसिंग है फॉर एग्जांपल, इस पर क्लिक करते हैं तो ये भी उस पर अप्लाई हो जाएगी। तो अब हम अपना जो करेक्टर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, डाउनलोड और स्किन विद स्किन हम रखेंगे इसको, और FPX फॉर्मेट में, और FPX फॉर यूनिटी को सिलेक्ट कर लें और फिर हम इसको डाउनलोड करते हैं। और ये अब हमारा कैरेक्टर जो है वो होपफुली डाउनलोड हो जाएगा और हम फिर, मैं इस वीडियो को रिज्यूम अभी पास करता हूँ और फिर हम यूनिटी में इस कैरेक्टर को इंपोर्ट करके देखेंगे कि हमारा कैरेक्टर काम कर रहा है या नहीं। तो पास करता हूँ मैं, फिर रिज्यूम करके हम वीडियो को रिज्यूम करेंगे यहाँ से ही। ओके जी, तो यूनिटी का सीन एक ओपन किया हमने स्टैंडर्ड एसेट्स के साथ और ये हमारा थर्ड पर्सन कंट्रोलर है। और अब यहाँ पे हम अपना करेक्टर जो है वो हम चेंज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारा करेक्टर काम करता है यहाँ पे या नहीं। तो लेट्स होप फॉर बेस्ट। तो जूम कर लेते हैं फोकस F यूनिटी के लिए, और ये करेक्टर है जो कि हमारा डिफॉल्ट थर्ड पर्सन करेक्टर होता है यूनिटी के अंदर। और यहाँ पे हमने अपना करेक्टर जो है वो इंपोर्ट करना है। तो ओके, ये हमने डाउनलोड कर लिया मैक्सियामो से करेक्टर जो हमने बिल्ड किया था, और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ओके ग्रेट, ये अब करेक्टर आ गया जी हमारे पास। तो इस करेक्टर को हम मूव करते हैं यहाँ पे और इसकी प्लेसमेंट कर लेते हैं, रोटेट करते हैं इसे। ओके, ये स्टैंड स्टिल एक्चुअली एनिमेशन इस पे अप्लाई हुई पड़ी है तो इस वजह से ये इस तरह से है। अदरवाइज हम इससे मिलती जुलती एनिमेशन जो थी वो अप्लाई कर सकते थे। एनी हाउ, इसको हम प्लेस करेंगे और फिर स्केल करेंगे उस जगह पे जहाँ पे हमारा जो दूसरा कैरेक्टर है थर्ड पर्सन वो स्केल हो जाए उसके मुताबिक, यानी हमने इसको एडजस्ट करना है। और करते हैं इसे और आई थिंक यहाँ पे ये ठीक है। तो इसके जो मटेरियल्स हैं एक्चुअली वो आई डोंट नो कि क्यों बहुत क्लियर नहीं आ रहे। हाँ, अब ऐड किया हमने तो अब टेक्सचर्स थोड़े क्लीन है। एनी हाउ, इसको ऐड करने के बाद हम इस कैरेक्टर को ऐड कर देंगे थर्ड पर्सन कंट्रोलर के साथ, और थर्ड पर्सन कंट्रोलर की जो बॉडी है यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो इथन स्केलेटन, तो जो इथन का स्केलेटन है उसको भी हम डिलीट कर देते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अदर जो चीज़ें हैं वो सारी सारी हमें चाहिए होंगी। तो अगर हम रन करें इसको तो आप देख सकते हैं
ये इस तरह से मूव हो रहा है लेकिन एनिमेट नहीं हो रहा, तो हमने एनिमेट भी करना है इसे। तो उसके लिए हम यूँ करेंगे कि करेक्टर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने अवतार जो है इसका ये चेंज कर देना है, और इसका हमारे अवतार का नाम है शरारती। और फिर हम एक और काम करेंगे, ये जो अवतार है इसको सिलेक्ट करेंगे और राइट पे इंस्पेक्टर टूल में आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, तो हम मॉडल पे जाएंगे और यहाँ से इस मॉडल की टाइप को चेंज करते हैं। क्लिक किया हमने, तो लेट्स वेट फॉर सम सेकंड्स, टाइम ले रहा है ये। ओके जी, तो यहाँ पे मॉडल से रिग में जाएंगे और रिग में हम जेनेरिक को ह्यूमनॉइड में चेंज कर देंगे और उसके बाद हम अप्लाई कर देते हैं इसे। तो ये अब कैरेक्टर जो है वो हमारा, आई होप सो कि ये काम सही करेगा। तो देखते हैं इसे, रन करते हैं गेम। ओके, इसकी रोटेशन एक्चुअली हमने गलत की हुई है, इस वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये कैरेक्टर को थोड़ा सा हमने फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कैरेक्टर जो है वो एनिमेट भी हो रहा है और रन भी कर रहा है, तो दैट्स ग्रेट एक्चुअली। तो एनी हाउ इसकी जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी ख़राब है और उसका अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस जगह से हमने गलती की है। तो कोई एक्चुअली सही सा इसका सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा हमें। एनी हाउ आपने प्रोसेस दे लिया ये, तो करेक्टर को हम थोड़ा फिक्स करेंगे और फिर लाएंगे तो वो होपफुली बिल्कुल सही काम करेगा। एनी हाउ आपको प्रोसेस बताना मकसूद था और वो आपने देख लिया कि हम किस तरह से कैरेक्टर को रिक कर सकते हैं थ्रू मैक्सियामो और कैरेक्टर को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने यूनिटी गेम इंजन में। थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बल्कि नेक्स्ट वीडियो नहीं, ये वाला कैरेक्टर का ये वाला कोर्स जो है यहाँ पे फिनिश होता है। हमने सक्सेसफुली सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो कर लिए, टेक्सचरिंग भी कर ली, रिकिंग भी, और गेम में इम्पोर्ट भी कर लिया अपना करेक्टर। तो इस कोर्स को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।